हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिना। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। अब बस मेरा नाम टाइप करना हिना जैन एंड वहाँ से आप मुझे इजीली फॉलो कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने एक पोल कंडक्ट किया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं डेली बेसिस पे आपको स्मॉल कॉन्सेप्ट्स करवाने वाली हूँ, तो जी हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं मेरे बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। मेरा नाम आपको पता ही होगा, हिना जैन, एंड आई लाइक टू टीच एंड शेयर माई नॉलेज। सो आई एम द टॉपर ऑफ माई कॉलेज ऑफ KJ सोमैया कॉलेज। सो टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ हिना, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, जस्ट टाइप माई नेम हिना जैन। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई ऑल वीडियोज विथ ऑल योर फ्रेंड्स हुम एवर आर प्रिपेरिंग फॉर NTA नेट एग्जाम्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक क्लास है तो आज मैं थोड़ा ट्रायल कर रही हूँ पेन टैप के साथ में। मैंने मेरे नेबर से बोरो किया है, बस आज के लिए वीडियो देखना है मुझे कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होगी हमारी ICT की बेसिक क्लास। ठीक है, तो जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है एंड हमारे कितने जनरेशन हो चुके हैं कंप्यूटर के, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है इट वॉज डिस्कवर्ड। आप हो सके तो एक बुक मेंटेन करना आपके साथ में जहाँ पे आप नोट डाउन करते रहना। Discovered in the year 1882. So, ये किसने discovered किया था? By Charles Babbage. So, please note down कर लेना ये कि जो computer जो था वो पहला discovered किया गया था in the year 1822. ये बहुत ही important है, note down कर लेना। और किसने discovered किया ये भी आपके लिए equally important बन जाता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, हाँ कंप्यूटर की फुल फॉर्म है तो वो भी नोट डाउन कर लो। इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो मुझे पता है अब तक आपने ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज ये नोट डाउन कर लेना। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। सो ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म बन जाता है। एक सेकेंड, वीडियो बराबर रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं चेक कर लेती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ ठीक है, बराबर हो रही है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फोर पार्ट्स होते हैं। सो वो कौन कौन से होते हैं नोट डाउन कर लो। एक होता है आपका हार्डवेयर, उसके बाद में आपका आता है सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट आपका आता है यूजर, और उसके बाद में आता है डेटा। अब हार्डवेयर क्या रहता है? हार्डवेयर वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट आपके कंप्यूटर के अंदर जो रखता है। सॉफ्टवेयर क्या रहता है? ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन देता है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन जो कि कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स कोड्स जो कि आपके कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। उसके बाद में यूजर क्या होता है? द कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो होता है यूजर। और डेटा क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है ऑफ रॉ फैक्ट्स जो कंप्यूटर स्टोर करता है, वो रीड करता है कौन से फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में। हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में काम करता है जहाँ पे जीरो और वन यही वो यूज करके वर्क करता है। सो
सो ये तो था कंप्यूटर के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन। सो जनरेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं आपको एग्जाम्स में। सो देखो, जनरेशन की ईयर के अंदर एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह पे अलग अलग ईयर दे रखे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, एट अ टाइम हम तीन जनरेशन यहाँ पे कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के दो कर लेंगे। चलिए, तो ये है आपका जनरेशन वन यहाँ पे, जनरेशन टू, एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा जनरेशन थ्री। सो जनरेशन वन के अंदर मैं ये मान के चलती हूँ कि जनरेशन वन आपका इन द ईयर 1943 से लेके 1952 तक चला होगा। सो अलग अलग जगह पे मुझे ये भी देखने को मिला है कि 1951 से 1958 तक आया, या 1946 से लेके 1958 तक आया, ऐसे अलग अलग ईयर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जनरेशन टू की अगर मैं बात कर लूँ, सो अगर मैं इसको 1958 तक भी पकड़ लेती हूँ, तो ये 1960s में आया था टिल द ईयर 1965 में। और नेक्स्ट आपका आया था जनरेशन थर्ड, दैट इज 1965 से लेके 1971। एक सेकेंड चलेगा, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड, इरेज का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है यहाँ से, एक मिनट जस्ट होल्ड डाउन। सो यहाँ पे थर्ड वाला जनरेशन हमारा आया था कौन से ईयर में, 1965 से लेके इन द ईयर 1971। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप, 1971। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है, फोर्थ और फिफ्थ का भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही आपको। अगर आप बड़े शीट यूज कर रहे हो तो वहां पे एक ही साथ में ऐसे ज्वाइंट ड्रॉ कर लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। फोर्थ जनरेशन आपका आया था 1971 से लेके 1980 तक, एक सेकेंड, 1980s तक। और उसके बाद में जो फिफ्थ जनरेशन था वो 1980 से लेके अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। अब एक शॉर्टकट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, वो मैं बता देती हूँ। सो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके आए थे वैक्यूम ट्यूब्स, ट्यूब्स हम यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास में थे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में हमारे पास में थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास में थे वेरी लार्ज ये सर्किट्स वाले, ये थे फोर्थ जनरेशन में हमारे पास में। एंड जो लास्ट हमारे पास में था अल्ट्रा लार्ज वाला था। ठीक है, सो ये आप नोट डाउन कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए रिवीजन करने के टाइम पे कि कौन से जनरेशन में हमारे पास में क्या था। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो इसका अल्ट्रा लार्ज यहाँ पे था यू आएगा। सो मतलब आप शॉर्टकट आपका याद रख सकते हैं यहाँ पे VTI BU। ठीक है, ये ईच जनरेशन का शॉर्टकट है, आप याद कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो था वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे, तो आप नोट कर लो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था यहाँ पे। सेकेंड जनरेशन में हम यूज करते थे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में हमारे पास में था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट हमारे, अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात कर लूं तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास में था VLSI। ठीक है, और अगर मैं फिफ्थ जनरेशन की बात कर लूं तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास में अल्ट्रा लार्ज वाला था प्रोसेसर। अभी नेक्स्ट आपको नोट डाउन करना है कि जो फर्स्ट जनरेशन था ये रिलाई करता था, रिलाइड ऑन मशीन। ठीक है, रिलाइड ऑन मशीन, और ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग
सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पे एट अ टाइम आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। सो नोट डाउन कर लो, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक एक टाइम पे आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप यूज करते थे, इनपुट आप देते थे पंच कार्ड के अंदर। सो यहाँ पे पंच कार्ड यूज किए जाते थे, पंच कार्ड, और आउटपुट आपका निकल के आता था प्रिंट आउट्स के अंदर, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग का मतलब कैसा होता था पता है? मान लो मैं एक फंक्शन दे देती हूँ जैसे A1, A2, A3, तो A1 के अंदर जितने भी चीजें होगी वो A1 एक बैच के अंदर होगा, तो ये एक बैच में ऑपरेट करता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रांजिस्टर्स के अंदर, तो जो कि हमारे जनरेशन 2 के अंदर यूज किया जाता था, तो यहाँ पे कंप्यूटर जो रहता था वो चीपर एनर्जी यूज करता था एंड वो ज्यादा रिलायबल होता था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे वो क्या करता था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, और ये रिलाई करते थे किसके ऊपर, ये रिलाई करते थे पंच कार्ड्स के ऊपर जो कि इनपुट देता था, और आउटपुट इनका आता था प्रिंटर के प्रिंट आउट्स के फॉर्म पे। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड जनरेशन, जहाँ पे ये जो थर्ड जनरेशन के अंदर हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे जो कि एक हॉलमार्क माने गए थे थर्ड जनरेशन के लिए। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो था, ये नोट कर लो, ये इन्वेंट किया था बाय जैक किल्बी। जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो आपके इन्वेंट किए गए थे बाय जैक किल्बी के द्वारा, और जो ट्रांजिस्टर जो थे ये प्लेस किए जाते थे एक सिलिकॉन चिप के अंदर। कहाँ प्लेस किया जाता था, सिलिकॉन चिप्स पे, ठीक है। उसके अलावा इसको जो सिलिकॉन चिप्स के अंदर प्लेस किए जाते थे इन्हें हम कहते थे सेमीकंडक्टर। सो दिस वर नोन एज सेमीकंडक्टर। आई नो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, हैंडराइटिंग भी ऐसे आ रही है, बस एक ट्रायल बेसिस के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ कि ये इस तरीके से कैसे चलेगा अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो। बस आज के लिए मैं लेके आई हूँ पेनटेप नेबर के पास से ट्राई करने के लिए कि कैसे क्या चलता है, जमता है कि नहीं जमता है। बट बहुत शैबी लग रहा है ये हैंडराइटिंग वाइज भी, और इतना नहीं जम पा रहा है लिखने के लिए यहाँ पे। जो हमारे नॉर्मल पीपीटी में आपको बना के देती है वही आई थिंक बराबर रहेगा, क्योंकि देख के पढ़ने का मन भी होता है। ये मुझसे भी अगर मुझे भी कहा जाए कि ऐसे रीड करके आप रिवाइज करो तो मैं खुद भी ये मना कर दूंगी। तो बस आज आप नोट कर लो फर्स्ट क्लास इसकी, नेक्स्ट हम पीपीटी फॉर्म में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ से नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे आपका कीबोर्ड यूज करना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो आपके थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड्स आ गए थे। नेक्स्ट कर लेते फोर्थ जनरेशन के बारे में। सो फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका इन्वेंशन हो गया था माइक्रो प्रोसेसर का। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज हो गया था, और इन द ईयर 1981 में यहाँ पे आपका आ गया था IBM जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहला होम कंप्यूटर। मतलब फोर्थ जनरेशन के अंदर आप मान सकते हो कि सबके घरों में कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे। और 1984 में एप्पल ने भी कुछ इंट्रोड्यूस किया था अपना, सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मशीन टॉस। मैकिनटॉश इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने, और यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था GUI का जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस था। माउस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। तो ये तो हो गए फोर्थ जनरेशन की बात। अब यहाँ पे अगर और कुछ मैं बोल सकूँ तो यहाँ पे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके लैंग्वेजेस यहाँ पे थी जो थी सी, C
सी प्लस प्लस देन डी बी एस ई भी यहाँ पे यूज किया गया था, और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर जैसे कि क्रे वन ये यूज किया गया था सुपर कंप्यूटर। और अगर थर्ड और फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए बात करूँ एग्जांपल, तो जो फर्स्ट जनरेशन था यहाँ पे आया था यूनिवैक, ठीक है, और उसके अलावा एक और यहाँ पे आया था ENIAC। तो ये कुछ फर्स्ट कंप्यूटर थे जो यहाँ पे यूज किए गए थे। और सेकेंड जनरेशन की बात करूँ तो सेकेंड जनरेशन के लिए अंदर हाई लैंग्वेज यूज की थी, असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी यहाँ पे, जो कि अब अभी हमारी है कोबल, और दूसरा था फोर्टेन आई थिंक, हाँ फोर्टेन था, फोर्टेन ठीक है। तो ये यूज किया गया था यहाँ पे, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और जो फोर्टेन है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे थे IBM 1620, IBM 7094 एंड CDC 1604 ये यूज किया गया था। अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका लैंग्वेजेस 14.2 आया था, देन आपका कोबल भी यहाँ पे था, एल्गोल भी था। सो ये चीजें यहाँ पे यूज की गई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया सी सी प्लस प्लस सुपर कंप्यूटर्स आए थे। एंड फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो फिफ्थ जनरेशन था जहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए थे, जैसे कि हमें पता है वॉइस रिकॉग्निशन भी यहाँ पे किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन जैसे हम बोलते हैं ना एलेक्सा प्लीज प्ले माई सॉन्ग, या हम इस तरीके से बोलते हैं, तो ये सब फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही हमारा आया था। उसके अलावा यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर जो है वो भी यूज किए गए थे, ताकि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज किए जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस रिकॉग्निशन यूज किया जाता था। तो ये आप नोट डाउन कर लेना फर्स्ट से लेके फोर्थ जनरेशन के ऊपर, फीडबैक दे देना। आई नो फीडबैक ज्यादा अच्छा नहीं आया था आएगा इसका, क्योंकि पेनटाइप यूज करके मैंने रिटर्न फॉर्म में दिया है। आप मुझे पता है सजेशंस दोगे कि मैम पीपीटी फॉर्म में ही लेके आओ, जैसे आप हमेशा से करते आए हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये हमारा जस्ट ट्रायल बेसिस पे था, बस ट्रायल करने के लिए मुझे आज ये यूज करना था कि कैसे क्या इसके फंक्शन है, कैसे ये यूज होता है। सो बस उसलिए मैंने ये यूज किया था। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि इतनी मेहनत मेरी भी लगी है यहाँ पे लिखने की, तो एक लाइक तो आपका बनता है। एंड आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप जरूर कर लेना। कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू। कैसे बनी?